spherical surfaces. Today I will teach you refraction of light at spherical lenses. So first of all, we will understand what is lens. A lens is a transparent refracting medium bounded by two surfaces, one of which must be spherical. And it is used to magnify objects. इसके लिए हमें दो आपको
first is center of curvature. So the spherical lenses consist of two spherical surfaces. So lens has a two center of curvature. So let us see, convex lens made जो है दो surface, दो spherical surface से बना. तो इसका जो सेंटर होगा, इस वाले सर स्फीयर का सेंटर ये सीमेंट हो गया और इस वाले का सीमेंट, ठीक है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फीयर विच लेंस इज अ पार्ट. तो जिस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, वो ही उसका जो है क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या है. तो ऑप्टिकल सेंटर सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ द लेंस. इसका जो मिड पॉइंट है लेंस का, ये क्या हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर. इसको दो से ये आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ लेंस, लेंस के सेंटर को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. एंड नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जा रही है ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट है अपर्चर. अपर्चर जो है वो डायमीटर ऑफ द लेंस. लेंस का जो डायमीटर है वो आपका क्या होगा, एपर्चर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर विच लेंस इज अ पार्ट. जिस लेंस का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये आपका हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन ओ सी वन, यहाँ से इसका जो रेडियस है ये वाला, ये होगा R1, ठीक है. और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, R2. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिस भी स्फीयर का रेडियस होगा वही उसका लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह से हमारा ये सारे जो टर्म्स हैं वो कॉनकेव लेंस के लिए भी डिफाइन करते हैं. यहाँ पे भी हमारा दो स्फीयर है, है उसका भी अपना एक सेंटर होगा. यहाँ पे सी वन हो जाएगा, उसका सी टू हो जाएगा. ऑप्टिकल सेंटर इसमें भी मिड पॉइंट में होगा, ठीक है, यहाँ पे दो. तो उसी तरह से इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. एंड फॉर नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. प्रिंसिपल फोकस ये क्या होता है, कि आपने मिरर वाले केस में एक ही फोकस होता है, यहाँ पे दो फोकस होगा. किस तरह से डिफाइन करेंगे, कॉनकेव लेंस का जो ये क्या होता है, कन्वर्सिंग लेंस होता है. लाइट को क्या करती है, कन्वर्स करता है. अगर लाइट जो है, लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल, लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. Light after refraction, it converges at a particular point. That point is called second focus. ये वाला जो focus होगा, जो parallel rays आएंगी after refraction किसी point पर अगर converge कर रही है, ठीक है, ये सब क्या हो रही है, converge हो रही है. Refraction हो रहा है, ये हमारा transparent medium है, जिससे यहाँ पे refraction करती है. अगर पैरेलल रे
सेकेंड फोकस जो है आपका होगा कॉन्टैक्ट लेंस के लिए रियल फोकस एंड इसके लिए कैसा होगा वर्चुअल फोकस। और ये वाला फोकस आपका जो है पॉजिटिव फोकस होगा कॉन्टैक्ट लेंस के लिए पॉजिटिव एंड कॉन्केव के लिए जो है निगेटिव फोकस को एज। ओके थैंक यू सो मच।